الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفي أمرنا بنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده محمد نعبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى बुज़र्गान मोतरम बिरदर नजीज़ और मेरी इस्लामी बहने अल्लाह तबारक वाली ने आसमान और ज़मीन की इस कायनत में जो भी चीज़ें पैदा किए हैं वो दो तरह की हैं एक तो वो चीज़ें हैं कि जिन पर हमें कोई इख्तियार नहीं है हम उन चीज़ों के सामने बिल्कुल बेबस हैं गोया कि उन चीज़ों का तरबियत और इंतज़ाम बर रास्त अल्लाह तबारक व ताल हाथ में है हमारा किसी भी दर्जे में उसमें कोई इख्तियार नहीं है बल्कि हम उनके सामने बेबस नज़र आते हैं और दूसरी वो चीज़ें हैं कि जिनकी तरबियत इंतज़ाम में हमारा भी दखल है हमारा किसी दर्जे में इख्तियार है हम उन चीज़ों की तरबियत और इंतज़ाम में एक किस्म का इख्तियार रखते हैं हम अपना इनपुट उन चीज़ों के अंदर कर सकते हैं हाँ किसी भी तरीक़े से उनकी तरबियत करनी है उनके इंतज़ाम मुतिन करने हैं तो हमें किसी न किसी दर्जे में वो चीज़ें हमारे बस में हैं पहली वाली चीज़ें जो हमारे इख्तीार में नहीं हैं हमारे बस में नहीं हैं वो इलम फल्कियात का निज़ाम मसला चाँद है सूरज हैं सितारे हैं अपने वक्त पे निकलते हैं अपने वक्त पे डूबते हैं हमारा उसमें कोई इख्तियार और दखल नहीं है हम सूरज को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते हैं हम चाँद को जल्दी निकालना चाहें निकाल नहीं सकते हैं हम सितारों को जल्दी है वो हटाना चाहें तो हटा नहीं सकते हैं गोया कि ये पूरा, पूरा का पूरा कायनात का तकवीनी निज़ाम बर रास्त अल्लाह तबारक व ताली के अमर में है और अल्लाह तबारक व ताल कन फ़ैक के तहत काम करता है हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है और दूसरी वो चीज़ें जिसमें हमारा किसी न किसी दर्जे में उसकी तरबियत और इंतज़ाम में इख्तियार है वो वो चीज़ें हैं कि जैसे कि खजूर की गुठरी ये खुद खजूर नहीं है ये खुद खजूर नहीं है और ना ये खुद सेब है लेकिन आप अगर उसकी तरबियत करें एक इंतज़ाम के तहत उसको अगर बो दें उससे आप खजूर पैदा कर सकते हैं तो गया कि खजूर की गठड़ी से खजूर का दरख्त पैदा करना ये जो प्रोसेस है ये अल्लाह तबारक वताल ने हमारे इख्तियार में दे रखा है हमें उस काम पे लगा रखा है हम जो उसके तमाम वसायल मुहैया करके खजूर की गुठरी को जब दफन कर देते हैं ज़मीन में तो एक वक्त में खजूर निकल आता है लेकिन वो खजूर की गुठली ख़ुद खजूर नहीं है और ख़ुद सेब भी नहीं है लेकिन उस गुठरी के ज़रिए से हम सिर्फ खजूर ही पैदा कर सकते हैं हम उससे सेब पैदा नहीं कर सकते सेब के बीज के साथ हम सेब भी पैदा कर सकते हैं हम उससे खजूर पैदा नहीं कर सकते तो एक दर्जे में अल्लाह तबारक व ताली ने उस चीज़ की तरबियत तर इंतज़ाम में हमें इख्तियार दे रखा है लेकिन ऐसा इख्तियारी कुल्ली भी नहीं है कि हम खजूर की गुठली से सेब पैदा करने लग जाएं और सेब के बीज से अनार पैदा करने लग जाएं अनार के बीज से हम गन्नम पैदा करने लग जाएं गन्नम के बीज से चना पैदा करने लग जाएं ये इख्तियार हमारे पास नहीं हैं हाँ जो चीज़ अल्लाह तबारक व ताल पैदा की और उस बीज के अंदर जो दरख्त छुपा रखा है उस छुपे हुए दरख्त को निकालने का इंतज़ाम अल्लाह ने हमारे हाथ में दे रखा है इसलिए किसान काश्तकारी करता है खेती बोता है वहाँ गंदम डालता है गंदम उग जाती है चना डालता है चना उग जाता है इसी तरीके से चावल डालता है चावल उग जाता है तो ये वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं अल्लाह तबारक व दर्जे में हमें इख्तियार दे रखा है हम उसकी तरबियत इंतज़ाम के अंदर अपना एक इख्तियार रखते हैं तो जिस तरीके से हम खजूर की जो गुठरी को देखते हैं वो ना खजूर है ना सेब है लेकिन खजूर की गुठरी से हम खजूर तो पैदा कर सकते हैं लेकिन सेब पैदा नहीं कर सकते बिल्कुल इसी तरीके से खुद इंसान को अल्लाह तबारक व वताल ने एक सूरत दे रखी है और एक जो सीरत दे रखी है हम सीरत के अंदर तो एक इख्तियार रखते हैं कि हम अपनी सीरत अखलाक के अंदर कोई मेहनत और तरबियत करके उनको बदल लें लेकिन जो सूरत अल्लाह तबारक व ताली ने दे रखी है उसको बदलने का हमारे पास इख्तीार नहीं तो यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताली ने हमारी सूरतों पर फजीलत और निजात का फ़ैसला नहीं किया कि अगर ये बहुत खूबसूरत है तो इसकी निजात कर दी जाए ये बहुत खूबसूरत है तो इसको फजीलत दे दी जाए नहीं अल्लाह तबारक व ताली ने हमें अपनी सूरत और शक्लों के बारे में बे रखा है अल्लाह ने जैसी हमारी नाक बनानी थी बना डाली है जैसी आँखें में अ करनी थी वैसे अता कर दी है जितना कद अल्लाह ने हमें देना था तो उतना दे दिया है जैसे हाथ अल्लाह ने बनाए थे वैसे बना दिए हैं तो गोया है कि ये शक्लें अल्लाह तबारक व ताली ने अपने इख्तियार के साथ बराह रास्त हमें अता कर दी हैं उसकी तब्दीलियों के अंदर हमें कोई इख्तियार नहीं है हाँ अकलों के अंदर तब्दीलियों का इख्तियार है जो अकलें अल्लाह तबारक व ने हमें दे रखी हैं उन उनलों को जितना पॉलिश करते जाएंगे, जितना उनको तेज़ करते जाएंगे, जितने आप ऐसे वो कि तशीज़ अजहान के मसायल इख्तियार करते जाएँगे आपकी अकलें उसी तरह तेज़ होती चली जाएँगी अब एक मैथमेटिक्स के जो है वो न्यूमेरिकल हल करने वाला क्वेश्चन हल सॉल्व करने वाला वो जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर अपना दिमाग लगाता है उसका दिमाग उतना तेज़ होता जाता है फिजिक्स के फार्मूले याद करने वाला जितना उसमें दिमाग लगाता जाता है उसका दिमाग तेज़ हो जाता होता जाता है एक ताजी दुकान पर बैठे जितनी जमा तफरीक करके बिल बनाता है उतना ही वो तेज़ होता चला जाए बनस्पत दूसरे के तो गोया कि अकलों को पॉलिश करना हमारे इख्तियार में है हम उसको अकल के दर्जे को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अगर अकल को हम इस्तेमाल न करें तो अकलें हमारी डल होने लगती हैं डल होने लगती हैं इसलिए इसलिएमा लिखा है कि अगर इंसान ज़ेनी आजमाइश का को कोई काम ना करता रहे तो उसके दिमाग के एक ख़ास खाने के अंदर एक पानी पैदा हो जाता है उस पानी पैदा होना पैदा हो जाने की वजह से वो बलीद हो जाता है बलीद का मतलब उसके दिमाग के अंदर कोई बारीक बात कोई समझ की बात उसके दिमाग में उतरती नहीं है बिल्कुल जिसको आज की दुनिया में बिल्कुल उजड़ जाहल है इसको कोई बात समझ नहीं आती असल में वो जहन को तेज़ रखने के लिए कोई ना कोई काम इंसान को करते रहना चाहिए कोई हिसाब किताब करते रहना चाहिए कोई ऐसी बातचीत करते रहने चाहिए कोई को ऐसे मुहमें हल करते रहने चाहिए कोई अक्लमंद लोगों की महफिल में बैठ के अकल की बातें सुनते रहना चाहिए ताकि वो जो एक ख़ास सलाहियत अल्लाह अकल की रखी है वो अकल की सलाहियत पॉलिश होती रहती है उसके अंदर गोया की तरक्की होती रहती है। लेकिन अगर इंसान इन सभी चीज़ों से आरी होकर सुबह खाया पिया और लम्बा होके सो गया अब उसको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है कोईल फैम की कोई किसी बारीक चीज़ में लगता ही नहीं है ना अकल वालों की महफलों में बैठता है ना किसी अकल वाले की बात सुनता है ना कोई ऐसा हिसाब किताब का रियाजी के फार्मूले बैठा याद करता है तो उसके अंदर वो पानी पैदा हो जाता है फिर जब वो पानी पैदा हो जाता अब उसको दोबारा अक़ल की तरफ लाना इंतहा दुशवार है लिहाजा दुनिया में आपने देखे होंगे ऐसे लोग उनको अक़ल की बात करो तो उनको समझ नहीं आती छोड़ो यार बस सही है बैल को बैल की तरह जनाब वो मोटे ताजे लंबे चौड़े होते जाए तो गोया कि बैल का बैल बन गया फिर रहा है लेकिन उसकी अकल में कुछ नहीं आता असल में दिमाग की उस खाने के अंदर पानी पैदा हो गया है इसलिए कहते हैं अकल की बातें तो आज जो करीम में भी अल्लाह ने फरमाया लौ लौकन्ना नस्व नाकिलू वालों से जब अल्लाह तबारक व ताले के फरिश्ते पूछेंगे भाई तुम जहनु में क्यों गिरे क्या बात है तुम्हारे जैसे इंसान जन्नतों में जा रहे हैं तुम उन जैसे तो इंसान थे आखिर तुम्हें कौन सी कमी रहेगी कि तुम जहन्नम में पढ़े हो तो जहनुमी में क्या कहेंगे कुरान बोल रहा है कहा लौकन्ना नस्व हो नाकिलू मन्ना फिर असहाबी सगर हम अकल वालों की बात सुनते या किसी अकल वाले की बात सुन के खुद अकलमंद हो जाते तो दोनों में कोई एक काम होता अकल वाले की बात सुनते या खुद हम अकलमंद होते तो माँ कुन्नाफिया साहब सैर आज हम जहनों में ना गिरते आज हम जहनों वालों में से ना होते लेकिन हमने क्या किया ना तो अकल वालों की बात को सुना और सुनने के बाद उसको सोचा कि यार इसने जो बात की है यार इस बात का माल व माया है क्या यार इसके सरकमटेंसिस क्या हो सकते हैं यार ये जो मौलाना ने बात की इस पर सोचना चाहिए दस मिनट बैठ के आंखें बंद करके सोचे यार बात तो पते की, की है यार ये मर तो जाना है मरने के बाद क्या होगा भाई आगे क्या जवाब देंगे यार अमेरिका से पाकिस्तान का सफ़र करते हैं तो सौ चीज़ें तैयार करते हैं या ब्रीफिकेस अच्छा सा ब्रीफ केस सेमसो नाइट का लेके जाएं ताकि लोग यार अमेरिका से आए वाह वाहमसो वा, नाइट का ये नहीं कि जमेका से जाके हम दो नंबर उठा लें मार नहीं यार सेमसो नाइट का ब्रीफिकेज हाथ में होना चाहिए यार अंदर जब सेटिंग होनी चाहिए लिबास है थ्री पीस होड यार नया होना चाहिए टाई ऐसी होनी चाहिए जूते ऐसे ताकि वहाँ एयरपोर्ट पर उतरे पता चले कि वाकई यार अमेरिका से आए तो कितनी तैयारियां हम कर रहे हैं तो ये सोचे कि यार ये छोटे छोटे सफ़र हमारी रेहेल्सर है एक बहुत बड़ा सफर पेश आने वाला है कि जिसके अंदर कोई नहीं होगा मैं अकेला होगा और मुझे जो वो कबर के अंदर डाल दिया जाएगा गोया कि हमें मुझे उस ट्रेन या जहाज़ में सवार कर दिया जाएगा जिसका नाम कबर है उस कबर के अंदर मुझे अकेले को बिठा दिया तो उस सफर की मैंने क्या तैयारी की है और यहां तो मैंने अब्बा के सामने पेश होना है अगर अब्बा के सामने पेश हुआ और अब्बा के यार तू बीस साल अमेरिका में रहा तेरी हालत यार ये यतीमों वाली हालत या ये तेरी चप्पल यार ये तेरे कपड़े यार, कपड़, यार इससे बेहतर तू यहीं रहता तेरे भाई यहां रह रहे तो उससे अच्छे रह रहे तो अब्बा को मुंह दिखाने के लिए इंसान संवर के जाता है और ये जो लंबा सफर पेश आना है यहाँ रब्बा को मुंह दिखाना है तो रब्बा को मुंह दिखाएं तो वहाँ हम जाएं इस हाल में कि रब्बा ये कह के यार मैंने तो ये सब कुछ बगैर मांगे दिया बगैर मांगे तुझे आंखें दे दी बगैर मांगे जबान दे दी बगैर मांगे हाथ पैर दे दिए तूने देखे नहीं कि दुनिया में और लोग जिनके हाथ भी नहीं थे दुनिया में और लोग जिनकी आंखें भी नहीं थी दुनिया में और लोग जिनके पैर भी नहीं थे और तुझे मैंने बगैर मांगे सारा अता किया और तूने अपना क्या हाल बनाया कि गुनाहों के दलदल के अंदर उनकी गंदगी के अंदर आलूदा होकर आज तू आया है कि तेरे चेहरे के ऊपर कुफर गुमराई की स्याही नजर आ रही है तो मैं अब्बा रब्बा को क्या जवाब दूंगा तो अब्बा से मैं शर्मिंदा हो रहा हूं जबकि अब्बा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तो आप आई डोंट केयर अब्बा क्या कर लेगा बेचारा अब बस आप अपनी मनती खबरे पास रखिए बस मेरा लाइफ स्टाइल है बस तो यहाँ भी लौंडे कह देते हैं ना टीन कह देते दे बच्चों माँ कहते बेटा ये यूँ कर ले यूँ कर ले ये पैंट तेरी नीचे गिरती जा रही है ऐसा लग रहा है जैसे कल्ला जा रहा है वो रिवाज है ना यहाँ पैंट नीचे गिर तो पता चला अमरीकन है तो पैंट तेरी नीचे गिर नहीं जा अंडरवेयर तो नजर आ रहा आधा अंडरवेयर पूरा बेटा ऊपर गए मामा प्लीज दिस इज माई लाइफ स्टाइल आप इंटरफेरेंस ना करें आई एम आई एम नाट बेबी आई एम नाइनटीन ईयर ओल्ड सौ बातें करता है तो ना अब्बा तेरा कुछ बिगाड़ सकता है ना अब्मा लेकिन आप अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश दूसरी दुनिया में जाते हैं अपनी कितनी तैयारियों से जाते हैं तो फिर तनाई में बैठ के सोचो कि यार ये भी तो एक ऐसा सफर होगा जिस सफर में मैं अकेला हूँ मेरे साथ कोई भी नहीं होगा और कबर के उस गढ़े के अंदर मुझे डाल दिया जाएगा और मैं अकेला ये सफ़र करूँगा और अजनबी लोगों के अंदर जाऊँगा और रब्बा के सामने पेश होगा तो मैं यार किस हाल में पेशूँगा दुनिया के अंदर तो मैं डॉलर और पैसे लेके जा रहा हूँ ट्रैवल चेक लेके जा रहा हूँ मुझे काम आ जाएंगे तो आखिरत की मंडी के अंदर क्या चलेगा तो ज़रा मुझे इस पर गौर करना चाहिए यार आखिरत की मंडी में ये डॉलर नहीं चलेंगे ट्रैवल चेक नहीं चलेंगे और वह आखिर मंडी में नकियाँ चलेंगी तो नेकियों की गिनियाँ मैंने कितनी इकट्ठी कर ली हैं तो ये सोचे लिहाजा नकियाँ इकट्ठी करो यार ताकि आखिरत के सफर में अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो तो देखो तनाइयों बैठ के अपनी अकल को इस्तेमाल करो उस इस्तेमाल की वजह से वो जो अक़ल का खाना अल्लाह तबारक वाल रखा है उस अक़ल के अंदर तेजी पैदा होती रहती तेज होती जैसे छुरी छुरी को आप चलाते रहें चाकू का भी इस्तेमाल करते रहे वो तेज होता रहता है अगर उसको रख दें वो उसके एक वक्त के बाद उसको जंग लग जाएगा अब जंग उतारने के लिए बाकायदा उस पर मशीन का रगड़ा लगाओ लेकिन अब जो छुरी रोज इस्तेमाल हो रही है किचन में उसके उसके जो है ब्लेड के अंदर उसकी शार्पनेस पैदा हो रही ऐसी अकल को इस्तेमाल कर करके इंसान आगे से आगे बढ़ता रहता है लेकिन शक्ल शक्ल को नहीं बदल सकता बस इसी पर अल्लाह तबारक वाल मदार रखा कि ये जो अकल हमने तुम्हें दी है इस अकल को तुम कितना किस अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हो अगर प्रॉपर वे के अंदर जिस मकसद के लिए तुम्हें पैदा किया है उस वे के अंदर अकल को इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह तबारक वाल की वही की रोशनी तुम्हें सही रहनुमाई करके मंजिल पर पहुंचा देगी लेकिन अगर तुमने प्रॉपर वे से हटके किसी दूसरे रास्ते में अकल को इस्तेमाल किया और दूसरे रास्ते में अकल को इस्तेमाल करके मतलब ये अकल के ऊपर अपनी ख्वाहिश को गालिब कर दिया और अकल को मगलूब कर दिया तो फिर यह अकल तुम्हें ऐसे गड़े में डाल देगी क्योंकि अकल को इस्तेमाल के बजाय तुमने उसके ऊपर ख्वाहिश को चढ़ा दिया है तो नतीजा क्या होगा तो वो ऐसे गड़े में जा गिरेगा कि कल को जहन्नम की आग के अंदर जलता हुआ फरिश्तों से ये कहेगा लौकुन्ना नस्म और नाकिलु अगर मैं किसी अकल वाले की बात सुनता या खुद में इट्सल्फ़ अकलमंद होता तो माँ कुन्ना फ़ी असाबी सईद तो मैं फिर जहन्न वालों में से ना होता तो मालूम ये हुआ कि सीरत पर अल्लाह तबारक व ताल ने निजात का मदार रखा है फजीलत का मदार रखा है सीरत कैसी है बिलाल हबशी की सूरत आप देख लें उसकी सूरत कैसी है हफशा का गुलाम है मोटे होंटों वाला है काले रंग वाला है पीले दांतों वाला है बेचारा गरीब मुफ़्लिस हफशा का गुलाम, लेकिन सीरत कैसी है कि आसमान के फरिश्ते उतर कर सलाम करते जन्नत उसकी मुंतजर नज़र आती हैं बुखारी की हदीस है नबी करीम अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज रात मैंने अजीब ख्वाब देखा मैं जिब्राइल अमीन के साथ जो है जन्नतों के अंदर दाखिल सैर कर रहा हूँ मेरे आगे किसी के चलने की आहट आ रही है मेरे आगे आगे ऑलरेडी चल रहा है मैंने कहा ये मेरे आगे आगे कौन चल रहा है मुझसे पहले जन्नत में कौन आया हुआ है फिर मैं आपका गुलाम बिलाल आपके आगे आगे, आगे चल रहा है मैं हैरान हो गया है बिलाल को यह शर्फ कि जन्नतों में मुझसे आगे, आगे आगे चल रहा है लेकिन आगे आगे चलने के मैं वही कि गुलामों की तरह जैसे आका आया तो ग़ुलाम आगे आगे चलते रास्ता साफ़ करने के लिए तो क्या गुलाम हफशी उस गुलामीत की शान में आगे आगे चल रहा है सुबह को जब फजर के बाद आपने ये ख्वाब सुनाया और बिलाल को बुलाया कि बिलाल मैंने तुझे रात ख्वाब के अंदर देखा और ये एक ये मुगालता सुनते चले जाएं वो ये कि याद रखे हदीसें आपको ऐसी मिलेंगी कि जिसमें नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जन्नतों की सैर की आसमानों की सैर की यानी मराज की सारे हवाल नज़र आएंगे याद रखें कई दफ़ा अल्लाह तबारक व ने नबी करीम अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए से महराज करवाई है और एक मरतबा अल्लाह तबारक व ताली ने जिसम जान के साथ जागते हुए महराज करवाई है वो हदीसें जो ख्वाब वाली हदीसें हैं बहुत से समझदार लोग हदीसों को पढ़ के समझते हैं ओ यार वो तो ख़्वाब है वो वो जो वो एक्चुअल जिंदा सलामत नहीं गए वो तो ख्वाब देखा था लिहाजा उनसे वो मगालता खाते हैं हाँ वो हदीसें भी मौजूद हैं क्योंकि असल जिस्मानी मराज से पहले पहले अल्लाह तबारक व ताले ने आपको ख़्वा में रूहानी मराजें करवाई ताकि जिसमानी मराज के लिए आपका जेहन तैयार हो जाए ये ये एक गुजार इतना लंबा सफ़र है उसके लिए पहले से आपको तैयार कराया जा रहा है वह किसी नहीं तो तैयार कर रहे हैं कि इतना लंबा सफ़र होगा तो आप ख्वाबों के अंदर देख रहे हैं तो मुत्द बार मुत्द बार जो ये आपने ख्वाब देखे और आसमान और जन्नतों की सहरे की हैं उन हदीसों को देख के बहुत से जो है मीडिया इसकॉलर ये धोखा खा बैठते हैं और जी वो तो ख्वाब में बहराज हुई है हकीकत में नहीं हुई हालाँकि उनको पता नहीं हकीकत की मेराज वाली हदीस अलग है कि जिसमें इसी जिसम जान के साथ ज़िंदा सलामत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सल्लम जो है मस्जिद बेतब हराम से मस्जिद अक्सा तक गए और मस्जिद अक्सा से फिर आलम बाला यहाँ तक के सिदरत मुंतहा को क्रॉस करते हुए मकामी अहदियत तक पहुँचे और दूबू रोज अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया इन सर की आंखों के साथ अल्लाह तबारक व तआला को देखा ये अहले सुन्नत अहल जमात का बड़ा ही है तो खैर बिलाल अफशी से पूछा कि बिलाल रात मैंने ये नज़ारा देखा कि तू जन्नतों में आगे आगे चल रहा है तेरा कौन सा ऐसा अमल है कि अल्लाह ने तुझे ये फजीलत अदा की है देखो सूरत कैसी बिलाल की और सीरत का आलम क्या है जन्नत इंतज़ार कर रही हैं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम मुझे और तो कोई याद नहीं मैं एक काम करता हूँ मैं जब भी वज़ू करता हूँ जब भी वज़ू करता हूँ तो दो रकात तहयत ववज़ू ज़रूर पढ़ लेता अगर वो मकरू औकात नहीं है नफल पढ़ने के लिए तो दौर का जो है मैं तय तो वज़ू ज़रूर पढ़ लेता हूँ ये गोया कि वज़ू का शुक्रिया आप वज़ू किया क्योंकि वज़ू इतना बड़ा इनाम है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते तभी आपने देखा वज़ू मेन डोर है नमाज़ में दाखिल होने का हम कहे वज़ू तो बड़ी गाल नहीं और जीवें छपड़ छपड़ कर लो यार हो गया जी नहीं ये ये मेन डोर है जिस डोर से आप एंटर होंगे नमाज में जिस नमाज में अल्लाह से मुलाकात होनी है लिहाजा ये मेन डोर के अंदर जब आप एंटर हों किस वक़ार के साथ किस जो है कि आदाब के साथ किस सलीक के साथ दाखिल होना है आप खुद सोच लें तो गोया कि ये मेन डोर लिहाजा वज़ू बेहतरीन अंदाज़ से उस तसली के साथ और आपको याद है पता होना चाहिए कि वज़ू नमाज से ज़्यादा मुश्किल लगता है आदमी बैठा है और यार मैं खड़े होकर दौर का था पढ़ता ला यार वजू कोई नहीं और लम्बा काम वो सर्दी ठंड यार वज़ू करो चल यार मैं बाद पढ़ ला यही होता है ना तो इसका मतलब वज़ू कितनी अहम चीज़ है और नबी ने फरमाया जिसने बेहतरीन वज़ू किया और वज़ू में कि शब्द क्या बशार दे दी कि जब वज़ू करता है तिरमिज़ी की हदीस है वज़ू करते हुए उसके सारे गुनाह अल्लाह तबारक व ताली माफ़ करना शुरू कर देते हैं हाथ धोता हाथों के गुनाह माफ़ हो गए मुंह धोता है आंखों के गुना माफ नाक सिरकता है नाक के गुना माफ कुल्ली करता है जबान के और ओंठों गुना माफ कानों में मसा करता है कानों गुना माँ सर का मसा करता सर के गुना माफ पैर धोता पैरों के गुनावा पूरी की पूरी बॉडी के जितने भी गुनाहे सगीरा ख़ास पर और वो कबीरा जिसमें नदामत आ गई वो कबीरा भी सारे के सारे वजू करने से अल्लाह माफ़ कर देते हैं क्योंकि इसकी हाज़िरी अल्लाह के सामने होनी है और अल्लाह के सामने मेला कुचाला जाए आज छोटे से मनसब वाले के सामने महिला कुचला जाने को तैयार नहीं होते हम सौ दफा अपने आप को नहलाते धुलाते हैं और परफ्यूम छिड़कते हैं यहां अल्लाह तबारक मतला जो बादशाहों का बादशाह उसके सामने पेश होना है इसे अल्लाह कहते हैं पहले वुजू कर लो गुनाहों से पाक होकर आओ तो रोशन चेहरे के साथ मेरे साथ मुलाकात करो इसलिए वुजू में जल्दी ना करो तसल्ली से वुजू बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह कुल्ली मिसवाक अगर तौफीक के मिसवाक करो नहीं मिसवाक तो फरमाया कि कपड़ा लेके कपड़े ही मल लिया करो वो भी नहीं तो उंगली को मिसवाक समझ के मल लिया करो ताकि उसके किसी ना किसी दर्जे में कायम मकाम हो जाए क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके वजू से ऑलरेडी गुना माफ होना शुरू होने और आप पाक साफ होकर खुदा के सामने खड़े होंगे तो कहने का मकसद यह कि अल्लाह तबारक वाले के सामने इंसान अपनी सीरत को जितनी उम्दा बनाना चाहे बना सकता है लेकिन सूरत को नहीं बदल सकता तो बिलाल अफशी सूरज जैसी भी है लेकिन सीरत का आलम यह है कि वजू करते ही दौर का दमाज तहियतलू पढ़ते हैं वजू करते ही दौर का दमाज़ ताहतुलवू पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व वो ऐसे कबूल हुए हैं कि अल्लाह तबारक व ने यह नज़ारा पैगम्बर को दिखा दिया कि जन्नतों में आगे आगे बिलहाल चल रहा है इसे तइतुलवू की आदत डालो जब वजू करो दौड़कात पढ़ो नमाज का टाइम है या नहीं दौर कात पढ़ शुक्रिया अल्लाह तूने मुझे तोफीक दी क्योंकि आपको पता नहीं वजूज पे ही अल्लाह ने आपके कितने गुना माफ कर दिए उस माफ़ी पर ही आप शुक्रिया करेगी अल्लाह तेरा शुक्र तो मालूम है कि सीरत पर अल्लाह तबारक वाल फजीलत और नजात का मदार रखा है सीरतें बदलना इंसान के इख्तीार में और जब इंसान सीरतें बदलने लगते हैं तरबत तो इंतजाम पैदा करने लगते हैं तो दुनिया में चार तरह के लोग हमारे सामने आते हैं चार कैटेगरीज से लोगों की कि जो सीरत और इंतज़ाम के एतबार से उनकी तरबियत की जाती एक वो लोग हैं कि जो गाफिल कहलाते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो जाल और गुमराह कहलाते हैं तीसरे वो लोग हैं कि जो फांसी कहलाते हैं और चौथे वो लोग हैं जो शरीर और नफ्स कहलाते चार तरह के लोग हैं जिनकी तरबियत होती है सबसे पहले नंबर के गाफिल गाफिल का मतलब ये कि वो लोग हैं कि जिनमें हक और बातिल का इम्तियाज़ है वो अच्छा बुरा जानते हैं कि यार ये अच्छा ये बुरा है ये हक है ये बातिल है लेकिन शहवात और ख्वाहत की दलदल के अंदर वो इतने फंसे हुए हैं इतने फंसे हुए हैं वो निकलना भी चाहते हो तो निकल नहीं सकते जाहिर इनमें से हम में से हर एक यही होगा हम गाफ़िल हैं हम गाफिल के लिए फहरिस्त में हैं हमें पता है यार ये अच्छा है ये बुरा है ये सच्चा है ये कच्चा है ये हक का ये बा है और ये नेकी का रास्ते ही बदी कराह हमें पता है लेकिन हम शावात और ख़्वाहिशात के अंदर इतने डूबे हुए हैं कि निकलना चाहते हैं निकल नहीं पाते ये गाफिल कहलाते और दूसरे गुमराह जाल कहलाते ये वो हैं कि जिनको हक और बादल का इम्तियाज़ है कि ये हक का ये बािल है ये ये सच्चा है ये ये झूठा है सब खबर है उनको बिल्कुल खबर है और वो, जो है, वो खाशाद, ये ख्वाहिशात जो हैं वो ख्वाहिशा ये ख्वाहिशात के अंदर जो दलदल के फंसे हुए नहीं बल्कि इन ख्वाहिशात और शहवात को दुरुस्त समझते हैं इनको दुरुस्त समझते यार ये ख्वाहिशात दुरुस्त है भाई सही है भाई ठीक है कर सकते हैं अभी कोई मसला नहीं जो ख्वाहिशा में फंसे हुए उनको दुरुस्त समझते हैं पहले वाले दुरुस्त नहीं समझते लेकिन फंसे हुए हैं निकल नहीं सकते जैसे दलदल में फंसा हुआ वहाँ ठहरना दुरुस्त नहीं समझता निकलना चाहता लेकिन दलदल और खींचती रहती मक्खी जैसे शहद के अंदर गिर जाए तो उड़ना चाहती लेकिन शहद ने उसको ऐसा दबोच लिया वो हिल नहीं सकती तो दूसरे वाले वो उस ख्वाहिशात के समंदर में गर्क होने को दुरुस्त समझते हैं कहते ठीक है भाई और तीसरे जो है वो फासिक हैं फासिक वह हैं कि जो जो बदी को बदी को नेकी समझते हैं वो कहते है ये जितने बदी है ये बदकारियां हैं ये नजायज़ चीज़ सब सही है भाई बिल्कुल दुरुस्त ये रास्ता ये नहीं है ये ये नेकी और तकवे वाला रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है ये अयाशी और फाशी वाला दुरुस्त रास्ता भाई अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया आज़ादी करो भाई फ्रीडम जो दिल में आया करो मेरा जिसम मेरी मर्जी कौन पूछने वाला भाई ये ये वो फासि हैं कि जो बदकारी को नेकी समझते हैं और चौथे वो लोग हैं जिनको शरीर नफ्स कहना चाहिए और शरीर नफ्स वो लोग हैं कि जिनको शुरू से जो उनकी नशोनुमा और तरबियत हुई वह बेईमानी कुफर वी पर तरबियत हुई है यानी काफिर के घर के अंदर पैदा हुआ लिहाजा वो कुफ़र की जितनी आदाब सलीके हैं उसी को हक़ समझता है उसके अलावा हर चीज़ उसकी नज़र में बातिल है और उसी के अंदर बिल्कुल खुश है और वह समझता है ये मेरा कामयाबी का रास्ता है ये शरीर नफ्स है तो गोया के फासिक और शीर आखिर वाले जो दो लोग हैं यह इलाज मंजिल पर पहुंच चुके हैं इनका इलाज बड़ा मुश्किल है ये आसान नहीं है किस्मत अगर साथ दे दे खुदा का फजल हो जाए तो इनकी असलाह हो सकती है वरना इनकी असलाह मुमकिन नहीं है हां पहले दो नंबर वाले जो हैं उनकी असलाह बड़ी आसान है सबसे पहले वाले जो हैं तो जो गाफिल हैं उस गाफिल की इलाज एक मुर्शद हक़ से हो सकती है किसी पिर व मुर्शद का दामन उसे थाम लिया किसी सिलसिले के अंदर दाखिल हो गया किसी अल्लाह वाले के दामन थाम लिया उसके सामने बैठ गया कि हदर मेरी असलाह कर दें मेरी ख्वाहिश है कि मैं नकियों की तरफ आ जाऊँ लेकिन हो नहीं पाता हूँ मैं के मुर्शद हक़ का दामन पकड़ लेगा वो इन श्ला उसको मंजिल पर ले जाएगा इसका बिल्कुल आसान रास्ता उसको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पेश आएगी वो गफलत से निकल के तक्ज़ में आ जाएगा वो तयज़ में आ जाएगा उस हकीकत को देखेगा कि यार ये तो गफलत का रास्ता था ये हकीकत का रास्ता है जैसा कि दलदल के अंदर फंसे इंसान को कोई दूसरा पकड़ के निकालना चाहे तो निकाल देगा खुद निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता मक्की जिस तरीके से शहद के अंदर फंसी भी खुद नहीं निकल सकती लेकिन कोई दूसरा उसकी मदद कर निकाल के बाहर फेंक देगा वो निकल आएगी बिल्कुल ऐसी तरीके से पहला वाला जो गाफ़िल शख्स है उसको एक मुरशद की ज़रूरत है एक रूहानी पेशवा की ज़रूरत है उसका दामन थामले और उसकी रहनमई के मुताबिक आदमी दलदल से निकल के मंजिल पे पहुंच जाएगा जैसे लिखा है खाजा अबू सईद गंगोई रहमत लाई के बारे में खाजा अबू सईद गंगोई रहमत ले बड़ा विलायत तो मार्फत का ऊंचा मुकाम अल्लाह तबारक वाल उनको अता कर रखा था और ये सिलसिला चिश्तिया के सरखील है सिलसिला चिश्तिया जो चलता उसमें बड़े ऊंचे मुकाम पर है ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमत लाई अब जब उनके जद्द अमजद ख्वाजा अब्दुल्कदूस कोगोई रहमत ला जिंदा थे तो उन्होंने परवाही नहीं की शिकार करते थे खेल कूद में ज़िंदगी गुजार दी सारी जवानी उसमें गुजार दी अब वो उनके जो जद्द अमजद वो दुनिया से चले गए और जो उनकी अमानत थी आगे उन्होंने अपने दूसरे चाने वालों को दे दी और यह ऐसे गुजर गया टाइम लेकिन अब जब उम्र के एक ख़ास हिस्से में आए इंसान ज़्यादा चालीस साल की उम्र के बाद जब पुख्ता होती है उम्र और बुढ़ापे की तरफ कदम आता तो सोचता कि यार ये मैंने क्या किया सारी लाइफ ज़ाया होगी ये क्या हुआ अब इनको फ़िक्र हुई कि यार वो दौलत रूहानियत की मार्फत की वो मेरे दादा ने दुनिया में तकसीम कर दी और मैंने कुछ भी नहीं लिया गफलत में पड़ा रहा अब फिक्र की कि यार मुझे कुछ करना है तो हजरत के जो सुसर हैं वो वो जलालुद्दीन था नेसरी रहम्ला भी सिरश्र के बड़े शरकील थे वो थे उनके पास क्या गया कि हज़रत बस अब बहुत मैंने वक्त ज़्यादा किया अब मुझ पर नज़र डाली फ्रमाया कि मैं तो बहुत पिराना साली में चला गया और बूढ़ा हो गया हूँ अब मैंने अपना जो खलीफा है उस खलीफ़े के स्पुरद कर रही सारी तरबियत असलाह तुम उसके पास चले जाओ और वो कौन है वह निज़ामद्दीन बल्ख ही अब वो बलख मुंतिल हो गए गंगो में नहीं है अब वह बल्ख चले गए अब ये बड़े परेशान हुए दौलतें जब गंगो में बट रही थी मैंने देखी नहीं मैंने फ़िक्र नहीं की अब ये दौलतें बलख में मुंतकिल हो गई हैं अब मुझे बलख जाना पड़ेगा तो अपने जद्द अमजद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह आई की कब्र पर जाके सलाम किया वहाँ इशारे सवाब किया तो तीन मरतबा ये आवाज़ सुनी कि वहाँ निज़ामुद्दीन बलखी के पास बलख चले जाओ वहाँ पर तुम्हारा मकसद पूरा होगा जब तीन मरतबा जी सूरतयाल जहिर होगी तो इन्होंने इरादा किया और पैदल पैदल वहां गंगो से बलख की तरफ चल पड़े इधर ये चले हैं उधर निज़ामुद्दीन बल्खी रहमत को अल्लाह तबारक व तला ने कश्यप की रोशनी में बता दिया कि ये ख्वाजा अब्दुल्कुदस गंगोई रहमत के इशारे पर यह अपनी तरबियत असरा के पकड़े तेरे पास आ रहा है अब ख्वाजा निजामुद्दीन बल्खी रहमतल्ला इस्तबाल के लिए शहर के दरवाज़े पर आ गए ज़ाहिर पहले ज़माने में शहरों के दरवाजे हुआ करते थे शहर के दरवाज़े पर जब निकले हैं सारे मुरीदीन साथ यहाँ तक कि वक़्त का बादशाह वो निज़ामुद्दीन बल्खी रहमत ल मौत वो भी साथ चल पड़ा कि अच्छा अब सीध गंगोई कहा कि हाँ जी मेरे पी मुरशद के जो पोते आ रहे मैं तो उनकी जो है इस्तबाल के लिए जा रहा हूँ अब जो आली शान किया इस्तेमाल करके मेहमान खाने में ठहरा दिया और आलिशान रोज़ दावतें हो रही खाने खा रहे तीन दिन दावतें खाईं उसके बाद कई दिन और रहे तो एक दिन ख्वाजा बुद्ध सईद गंगोई रमतल ने फरमाया कि मैं दावतें खाने नहीं आया मैं दावतें खाने नहीं आया असल में मैं, मैं किसी और मकसद के लिए आया तो ख्वाजा निज़ामदी बल्खी रहमत ने कहा किस मक़द के लिए आया बताओ कहा के मैं वो दौलत लेने आया हूँ जो दौलत आप मेरे दादा से जद अमजद से लेकर आए हैं उस दौलत वो दौलत मुझे चाहिए यानी मार्फत और रूहानियत और इल्म और मारफत की तरक्कियां चाहिए मुझे ताल्लुक माल्ला चाहिए कि ये ममलूक मालिक को पहचान ले ये मर्जूक राजी का पता ढूंढ ले ये मखलूक मालिक अपने खालिक को देख ले मैं तो वो लेने आया हूँ कहा कि अच्छा अब देखो तरबियत तो असला शुरू हो रही है जैसे ही बात कही ख्वाजा निज़ामी बल्कि रहतल तो के चेहरे का रंग बदल गया एकदम बिल्कुल कोरे हो गए कहा कि अच्छा अगर वो दौलत लेने आए हो तो वो दौलत वो ऐसे नहीं मिलती बड़ी मुशक्कतों और मुजाहदों से मिलती है जाओ इसको मस्जिद का जो हमाम है उस मस्जिद के हमाम का पानी गर्म करने पर लगा दो उठा दिया और फरमाया कि ये है ये जिक्र करते रहना और पांच वक्त की नमाजें पढ़ते रहना और मेरे सामने नहीं आना मैं जब तुम्हें कभी बुलाऊं तो मेरे सामने आना है पर मेरे सामने तुम्हें आने की इजाज़त नहीं अब देखिए एक मरत दफा एक तरफ ये इज्जतें और दावतें दूसरी जैसी तरबियत शुरू हुई बिल्कुल इसी तरीके से अब देखे बीज आपके हाथ में होता है आप ये चाहते हैं कि यार ये इस गुठली को इससे खजूर उगाएँ इन बीजों से यार पौधे उगे तो क्या करते हैं आप चूम के उसको सोने की प्लेट में रखते हैं तो आप उसी वक्त तो गोडी करके अंदर डाल के ऊपर मिट्टी भर देते हैं फ़ौर उसका नक्शा बदल जाता है अगर सोनी की प्लेट में सजा के रखेंगे तो बीज उगने वाला नहीं वो सड़ने वाला है सड़ जाएगा लेकिन जब आप उससे तरबियत चाहते हैं इस गुठली में से पूरी खजूर निकालना चाहते हैं इस आम की गुठली में के अंदर पूरा आम का दरख्त मौजूद है बल्कि और सैकड़ों आम भी इसके अंदर मौजूद हैं वो निकालना चाहते हैं आप क्या करते हैं फ़ौरन मिट्टी खोद के उसके अंदर डाल देते हैं यानी उसकी हैस्य फर बदल जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की जब तरबियत मुरबी करता है तो फिर ये नहीं कि उसको इज्जत से दावते खिला रहा है उसको खाने खिला रहा है उसको मज़े करा रहा है और वो सोचता है यार बड़ी बात है ये अब मज़े होगा जी और आज का मुरीदों का हाल ही है कि पीर थोड़ी सी आँख भी दिखा दे और कल यार छो पीरें दे काटा दफ़ा करो दूजा पीर फाड़ लेने नहीं भाई इसको कुछ नहीं मिलेगा बस एक को हाथ में हाथ दे दिया पीर जिस तरह लेके चल रहा है अगर अगर वो वो आम की गुठली ज़मीन से निकल निकल के बाहर आए वो गुठली बाहर निकल निकल के आए तो दरख्त उगने वाला नहीं आम बनने वाला नहीं लेकिन जैसे ही वो सारी मारे खाने के लिए तैयार हो जाएगा नतीजा क्या होगा अल्लाह तबारक वाली आम का दरख्त उगा दे यहां तक उन्होंने लिखा है प्याज प्याज को जब काटते हैं और प्याज कटने के लिए तैयार हो जाता है अपने टुकड़े टुकड़े करवाने को तैयार हो जाता है तो शाही दस्तरखान पे सलाद बन के सजता है लेकिन अगर आप प्याज को काटोगे नहीं का, नहीं नहीं मुझे नहीं काट रहा जिस तरह शक्ल है वैसे ले चलो वरना मैं नहीं तो क्या ख्याल है को आप शाही दस्तर खान तो बाहर मैं और आप भी दस्तरखान पर रखा और छो स्टोरेज पाओ स्टोरेज पे आ रहे नहीं चाहिए वहीं सड़ जाएगा गल जाएगा मालूम हुआ कुर्बानी कुर्बानी और मुजाह इंसान को बनाता है जब पीरो मुर्शद के पास आके मुरीद कुर्बानी देता कि हजरत आपके हाथ में हाथ दे दिया है अब आपका काम है मुझे कैसे लेके चलना है वो जैसे लेकर चल रहा है मुरीद मुरीद चलता चला जा रहा है खुदा को पा लेता है तो बिल्कुल इसी तरीके से जब ये मुजाहे आते तो ये हालात पैदा होते हैं तो अब उससे गंगोई रहमतुल्लाह आये फौरन कह दिया हमाम पे पानी गर्म करें अब हमाम पे पानी गर्म करते कई अरसा गुजर गया कि यार इतना बड़ा शजादा साहबजादा और आज क्या हालत है तो एक मरतबा पीर मुरशद ने उनका किबर और तकबर आज़माने के लिए भंगन आप जानते पहले ज़माने में भंगने घरों में आके कूड़ा किरको उठाती थी जो ये आज ये फ्लश और टाइट टाइलटें आ गई हैं लेकिन पहले घर गर, भंगने घरों में आती थी अब आज भी पसमानदा इलाकों में घरों में भंगने आती हैं सारा कूड़ा कर कर ले जाती हैं अब वो कूड़ा करकट वाला टोकर लेके चल रही थी तो पीर मुर्शिद ने कहा कि ये अबू सईद गंगोई बैठा है इसके पास जो है पास से गुजरना ये कूड़ा करकट का लेके पास से गुजरना ये बात कही अब जैसे पास से गुजरी अब वो बदबू और ताफुन तो बड़े गुस्से से देखा कहा कि ना हुआ गंगोई ना हुआ गंगो के मैं तेरी खबर लेता कहते, काश अगर गंगो होता ना मैं फिर पूछता जैसे आज बहुत से तड़िया लगा पाकिस्तान मैं पाकिस्तान फिर पूछता پاکستان ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫੌਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪਤੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾ ਕਿ ਗੰਗੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕੀ ਕਹ ਕਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਪੇਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾ ਗੰਗੋ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਬੀ ਖਨਾਸ ਹੈ ਤਕਬਰ ਹੈ ਸਹਬਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਗੰਗੋ ਯਾਦ ਆ ਰਹਾ उसके बाद कुछ अर्सा तरबियत होने के बाद फिर कहा कि अब कूड़ा ले कर चलोगी तो कूड़ा थोड़ा सा इस अंदाज से ठोकर कहा कि थोड़ा कूड़ा उसके करीब गिराना फिर देखना क्या कहता है वो युवा कि गुजरी और थोड़ा सा कूड़ा यूँ करीब गिरा दिया अब वो ताफन बदबू उठ के हटे बड़े गुस्से से घूर के देखा बोले कुछ नहीं क्योंकि अभी इसलाह हो रही है चुप हो गए पूछा क्या हुआ कहा कि बस वो तेज़ आंखों से घूरा उन्हें बोले नहीं हाँ अभी अभी खनाज बाकी है मतलब है कि कुछ बोलना चाहते हैं अंदर गुस्सा आंखों में आया है ठीक है फिर उनकी तरबियत चलती रही चलती रही फिर एक मौके पर पीरो मुर्शेद ने कहा कि इस मर्तबा जब गुजरो तो कूड़ा ऊपर ही डाल देना ऊपर ही कूड़े का ठोकर गिरा देना और गिर जाना ऐसे ठोकर खा के जैसे देखे क्या कहता अब है अब तीसरी इसी गुजरे हैं देखो ये पीरो मुर्शे इसलाह कर रहा है और आज दे पीरो मुर्शद तक गरु रोटियाँ खमा दे रहे हैं फिर भी सुधर सुधरते नहीं है फिर भी कहते यार पीर यार रोटी खवाई रात दी बे रोटी खवाती है पानी पिया ठंडा ही नहीं सी पानी या फ्रिज घरे पे ठंडा पानी यानी ये नखरे करते आज के मुरीद उनको पता ही कौन है कि रास्ता क्या है उनको खबर ही नहीं है कि किस तरीके से तुम्हें क्या मिलने वाला है नाकदरियाँ करते हो पीरो मुर्शा अवेलेबल लेकिन तुम्हें फिर वही हुआ गंगो में नहीं रहेगा तो बेबलख जाना पड़ेगा अमेरिका में अल्लाह तबारक वाले तुम्हें भेज देते हैं कितने मशा खसे अमेरिका में आके तुम्हारे पास बैठते हैं तुम्हारे पास आते हैं तुम्हें अभी आंखों पे चर्बी है तुम्हें कदर नहीं है लेकिन ये नेमतें मुंतकिल हो जाएंगी फिर दुनिया में चिराग लेके ढूंढो के, के कि यार कहीं मिल जाए उसकी उसकी सोबत में बैठ के कुछ पा लें फिर मिलेगा इस तरह मिलेगा खैर तीसरी मरतबा जब गए हैं तो टोकरा पूरा डाल दिया जैसे टोकरा डाला चूंकि अब इसलाह हो चुकी थी तो खो खड़े होके कूड़ा खुद अपने ऊपर डाल रहे हैं कि जब मालिक चाहता है मेरे ऊपर कूड़ा गिरे तो मेरे बदन की हैसियत क्या है मैं खुद उठा उठा के फेंकूंगा और उसको कहता है कि, बीबी तुझे कोई चोट तो नहीं लेगी तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ये कूड़ा ये कूड़ा मेरा मुकदर है अपने ऊपर डाल रहे और झूम रहे बस शेख ने सुना शेख ने कहा मंजिल में लग ये मैं मर गई ना जिस दिन मैं मर गई उसी दिन तुमने खुदा को पा लेना कहते खुदा नजर नहीं आता आप अंदर मैं मार के देखें खुदा कैसे नजर आता आपने ये लुत्फ जाना ही नहीं है आपने ये मजा जाना ये मैं को मार के तो देखो तुम्हें तुम दुनिया को कहोगे कहते खुदा नजर नहीं आता मुझसे पूछो खुदा कैसे नजर आता है तुम ये कहते फिरोगे खुदा की कसम खुदा नजर आता है लेकिन अंदर की मैं तुम्हारो इसलिए कि अल्लाह तबारक वाले मैं है अल्लाह कहते है, मेरी चादर है मैं मुतकबर हूं, मैं तो मैं हूं। मेरी मैं के साथ दूसरी मैं हो वहां मैं नहीं आता हूं अपनी मैं मार के देखो दिल के दरबार को खोल के देखो फिर मैं जब आऊंगा तो फिर तुम्हारी मैं नहीं मेरी मैं तुम्हें नजर आएगी फिर तुम कहते फिरोगे खुदा की कसम खुदा नजर आता है आज सारी दुनिया कहती खुदा नजर नहीं आता उनको पता ही नहीं वो अपनी मैं तो मार के देखें आज हम अपनी मह मारते नहीं हैं कहते यार कहते तो ठीक नहीं नज़र तो नहीं आता और नहीं ओ तुम्हें पता ही क्या है तभी तो अल्लाह वाले जब मह मार देते हैं अल्लाह अकबर फिर खुदा जब नज़र आता है। इसी वाक़े में आ गया अब उसद गंगोई को तजली ख़ास जब नजर आई उसका एक नजारा है बड़ी लुत्फ पुरुफ जो एक कैफियत तो बाद में बयान करेंगे वक़्त ख़त्म हो गया है तो कहने का मकसद ये है बस ये अंदर की मैं और किबर जिस दिन मरता है उसी दिन अल्लाह तबारक वाली नज़र आने लगता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए वाह आख़िर उद्दानी रमदुल्लबीआलम आज का ख़ुतबा इस्पॉन्सर किया है ह्यूस्टन टेक्सस से डॉक्टर समीना जमील साहिबा ने हम डॉक्टर सबी जमील साहबा के दो आगु हैं कि अल्लाह तबारक वालों वा को ज़ाहरी बातरी दौलत अ त फ़रमाए उनके हमारे जो इदारे के साथ तान रहता है और हर तरह जो है माशा हमारे साथ पार्टिसपेट रहता है अल्लाह उनके इस तान को कबूल मज़ुर फरमाए आमीन या रबालमीन रात भी अपना कोई खाना ले आना चाहते हुए एक डिश ले आएँ वैसे यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम होगा तो इस हज़ार आप नोट कर लें तो इन शो ये आप हजरात के लिए सालाना पिकनिक जैसे हुआ करती है तो माशाल्लाह इस दफ़ा भी इस संडे को एक बजे दोपहर आप अजरात पहुँचें इनशाला मैं भी हूँगा अपनी फैमिली के साथ और अहबाब दोस्तों को भी लेके आऊँगा तो इन श्ला खेल कूद भी होगा और बच्चों के लिए बड़ा बहुत से फ़न रखे हमने खास बंसी हाउस वगैरह बच्चों के लिए लगाएँगे ताकि बच्चे बंसी हाउस के अंदर इंजॉय करें जैसे लास्ट ईयर हुआ था इसलिए आप अदरा नोट कर लें और कोई भी आने से पीछे ना रहे और उसको ये इबादत समझ के आएँ ताकि इस्लामी सेंटर और मस्जिद आबाद हो इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं तो इन तुम्हारा आना भी कायरत स्वबाब हो जाएगा इन दुआ होगी तो आप हज़रा जो है वो आयत करीमा पढ़ते रहे हाँ जी क्या करना लाइव रिकॉर्ड तो इन जो है दुआ होगी तो आप हज़रात जो है दुआ के लिए तैयार हो जाए इन शो है जो भी ज़ाहिर है कि जो भी मकासद हसन है, है उसकी नीयत करके आप दुआ करें अल्लाह तबारक वाल बरकत अ त फ़रमाए अल्हदिल्लबालमिन सैदना व मौलाना वह मदीनी नबी वाली वह अलफालफ मरती सुबहानल वमदी आदत खल़ी वरदुानफ सी वीनत आर्शी व मदाद कली माति वब हमदी आदत खल़ी वरदानफसी वीनत आर्शी वम मदाद कली माति या अल्ला हमारे गुनहों को माफ़रमा या अल्ला हमारी ख़तुज फरमा या या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा या अल्लाह तमाम हाजरे ने तो अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा या अल्लाह अपना मकबूल और महबूब बंदा बना या अल्लाह अपना मकबूल और महबूब बंदा बना या अल्लाह या कश्मीर इस्लामिक सेंटर यौकर्ज न्यूयॉर्क के अंदर यह अभी हम जुमे की नमाज से फार हुए हैं और आज ये अभी हम इजमाही दुआ कर रहे हैं या अल्ला हमारी इस कश्मीर इस्लामिक सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमा उस साल तकबा की बुनियाद पर इसको कायम फरमा या अल्ला इसको अजीम मरकज हिदायत बना या लेस को अजीम मरकज हिदायत बना या लेस के जितने मुहीन माम मुंतजम सबको को जजाय खैर फरमा या ल उनकी खिदमत का बेहतरीन बदला फरमा या, ला, या ला अपने लुफ़क्रम से या अल्ला जो 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 बीमार है उन्हें शिफा फरमा सेहत तो व अता फरमा आफत के साथ उनको सेहत तो, और या तंदुरुस्ती तो अता फरमा या तंदरुस्ताफ़रमा कोरोना वायरस के हवाले से जो लोग बीमार हैं या सब को शिफाए कुलिया फरमा या इस मर्ज को दुनिया से दूर फरमा या दुनिया को या अमर और आश्ती का गहवारा बना या अल्ला हमारे ये वो सेंटर के रूह रवां साबिर खान साहब पाकिस्तान में हैं वो भी बीमार रहते हैं या उन्हें शिफा अफा अता फरमा सेहत व अता फरमा जिस एक मकसद के लिए वो गए हुए हैं या उसमें उनको भरपूर कामयाबी अता फरमा या अमारे डॉक्टर शबी बेजार साहब कैलिफोर्निया मूव हो गए या, ला या ला उनको सेहत वाफ़ा फरमा शिफाकुलिया अता फ़रमा सेत वाफियत के साथ या उनकी उम्र को दराज फरमा या कम्यूनिटी के हवाले से उनकी जो खिदमत हैं या उसका बेहतरीन बदला उनको अता फरमा या अल जो जो मोमिन मोमिन गुजर चुके उनकी बख्शिश फरमा उनके दर्जात बुलंद फरमा हमारे कश्मीर इस्लामिक सेंटर के या करम फरमा याला अरशद इबाज साहब या वो भी दुनिया से रख्सत हो गए याशद इबाज साहब की बख्शि फरमा यानदौस का आला मुक़ाम अरमा या जनरल फिरदौस का आला मुकाम अता फ़रमा या, 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 या जो जो भी उनकी दीनी ख़बात थी या उनका बेहतरीन बदला अता फ़रमा हमारे डॉक्टर जो है सईद आरानी साहब का बेटा शान जो है पिछले दिनों उनका उसका इंतकाल हुआ या अल्लाह उनके साहिबजादे की बख्शि फरमा या अ उनके दर्जा बुलंद फरमा या अहन फिरदौस का अला मुकाम अता फ़रमा या, लो या लो उसके अलावा जितने भी मरहमीन हैं या सबको शिफाय को शिफाकुल अताफ़रमा सेहत व आफत अताफ़रमा याल अमत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा या अमत मुस्लिमा को पस्ती से बुलंदी अताफ़रमा मुसीबत से राहत अताफ़रमा या अल उमत मुस्लिमा को इतहा और, और इतफ़ाक़ अताफ़रमा या बर्मा के मुसलमानों को गलबा नुसर ताफरमा इंडिया के मुसलमानों को गलबा नुसर ताफ़रमा कश्मीर की वादी को आज़ादी अता फ़रमा या सीरिया के मुसलमानों को या गलबा नुसरताफ़रमा या ललस्ती के मुसलमानों को गलबा नुस्त फरमा या अल्लाह चीन के मुसलमानों को या या अल्लाह अल्लाह आज़ादी अता फरमा और अगर मुसलमानों को या अल्लाह गलबा और आज़ादी अता फ़रमा या अल्लाह अल्लाह या जहां जहां भी मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है या या अल्लाह अल्लाह ज़ालिम को कैफ्र किरदार तक पहुंचा या अल्लाह लजलू मुसलमानों की मदद फरमा या अल्लाह हमारे कश्मीर इस्लामी सेंटर के जितने मामीन और ख़ादिम है सबको जज़ाए खैर अता फ़रमा या अल्लाह हमारे डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब या अल्लाह हमारे सेंटर की या अल्लाह यह वदमत कर करने वाले हैं या उनको जिद ख़ैर अता फरमा डॉक्टर सईद आर साहब हैं या इसी तरीक़े से नदीम ख़ान हैं नसीर खान हैं और नौजवान बहुत से नौजवान हैं और खास ख़ासतौर पर हमारे इमाम जो है कारी आदिल शबीर साहब या को कोबूल मज़ूर फरमा या बेहतरीन जजा और बदला उनको अता फरमा खूब उनको बरकत अता फरमा या अल्लाह और जो जो भी लोग किसी भी हवाले से हमारे कश्मीर इस्लामिक सेंटर की मदद करते हैं या अल्लाह उन सबको जिद ख़ैर तफ़रमा उनको या अल्लाह बेहतरीन बदलाता फ़रमा रब्बा तकब्बल मना इन्ना का तस्मालीम व तुबालना इन्ना कांत तवाबरहीम या अल्लाह दुनिया भर से नाजरीन जो हमारे साथ दुआओं में शरीक हैं सबकी जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमा अपना ख़ास ताल्लुक इन सब को नसीब फरमा या अल्लाह ला ख़ास ताल्लुक और क़ुरब इनको नसीब फरमा या अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है या अल्लाह उनकी लायद मुराद पूरी पूरी फरमा या कराची से या लो फौजिया बेटी ने दरखास्त की है या निहा बेटी ने दरखास्त की है या लो उनको बरकतें और सेहत और आफ़ियत खुशियाँ अता फरमा इसी तरीके से लाहौर से जरका ने दरखास्त की या जरका को या लहतरीन रोजगार रोजगार अता फरमा या अको खैर और ख़ुशहाली अता फरमा या लो उसकी परेशानियों को दूर फरमा उसके नसीब को रोशन फरमा इसी तरीके से या लाहत परवीन साहिबा ने लाहौर में दरख्वास्त की या लो उनकी बेटियों के नसीब रोशन उनके लिए नेक और अच्छी रिश्तों का इंतजाम फरमा खुद राहत परवीन साहिबा को सेहत तो वाफा फरमा उनको या खुशी और खुशहालियाँ अता फरमा शेखोपूरा सिया राबिया बेटी ने दरखास्त की है उसके लिए बेहतरीन नसीब का फैसला फरमा या अल्ला उसको ज़ाहरी बात रही इज़्ज़त और आफत अदा फरमा उनके वालदे की परेशानी को दूर फरमा और जिस जिसने जिस भी हवाले से दुआ की दरखास्त की है या लापदाना बीना है आप उनके नामों और कामों से वाकिफ हैं या अ उनकी या लाल किफ़ायत फरमा उनकी इजाज़ मुरादी पूरी फरमा अल्लाउमैन्ना न सलोकम खैर मास का मीन नबीक महमदन सला वसलम व नज़ु कमीन शरमस्त आज का मीनबीक महमदुन सल वसलम व अन वालबला वला बिल् औरकब्बल मना इन् का समिलीम व तो वालना इन्ना कांत तवाबरम व सल् तैर खलकही मोहम्मद